अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। ईद मुबारक है आप सबको। मेरे साथ है शहजाद रजा। बहुत बहुत वेलकम है आपको इस शो में। और आज के दिन आपको पता है ईद सब लोग मना रहे हैं, कई लोग जो है सारा कुछ कर चुके होंगे, शीर खुरमा भी खा चुके होंगे, सारे लोग जाके कब्रों पे अपने प्यारों से मिलाए होंगे, और जो बाकी हैं वो फैमिली में आपस में भी मिल रहे होंगे। तो इसलिए हमने कहा कि हम भी अपने स्टूडियो में खूबसूरत से प्यारे प्यारे गेस्ट को जो है वो आज इन्वाइट कर लें। ईद क्या होती है? ईद यही होता है ना कि पूरा रमज़ान हम भूखे प्यासे नींद के बगैर जो है हमने बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत की होती है, बहुत सारी से दूर रहे होते हैं, और फिर एक उम्मीद की किरण आती है और एक ऐसा दिन आता है जब खुदा हमें वो सारी नेमतें देता है और हमें ये एहसास होता है कि ये चीज़ें जब हमारे पास नहीं होती या जिनके पास इतने यूजुअली नहीं होती तो उन्हें कैसा फील होता है। इसलिए आज जिन लोगों को हमने इनवाइट किया है, हमारे गेस्ट, ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत और मुशक्क़त की है। इन्होंने बहुत सारी महरूमियों से अपनी ज़िंदगी को पहले गुजारा और उसके बाद इतनी सारी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स के साथ, मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी को ईद बना लिया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए आज हम बहुत बहुत मशकूर हैं आप सबके। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, थैंक यू सो मच। आप वफाकी मुहतसिब में कमिश्नर भी हैं, लेकिन आज जो आप यहाँ पे आए हैं वो बतौर एक शायर के तौर पे आए हैं, खूबसूरत खूबसूरत हमें शेर भी बताएंगे। और ईद पे होता यूँ था ना कि ईद कार्ड होते थे पहले, तो ईद कार्ड पे लोग जो है वो अच्छा सा शेर लिखते थे और फिर दिया करते थे। अब तो लोग एक ऐसे ही मैसेज दे दिया करते हैं और वो भी एक ही मैसेज सबको भेज रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एक खूबसूरत से शेर के साथ ही पहले आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया मैं कर देता हूँ कि मैंने, ये मीठी ईद है, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर। अच्छा, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। बिल्कुल सही है, ऐसे तो बहुत किस्से होते हैं। और ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर, और घूम कर ऐसे ही ये और भी दो तीन के घर, आ गया शाम तलक फिर इसी मिस्कीन के घर। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल होता है। आप बताइए हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है उनको आप इंट्रोड्यूस करें। जी, साजदा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में रिप्रेजेंट भी करती हैं और इसके साथ मॉडलिंग भी करती हैं, शोबिज से भी ताल्लुक, एक्टिंग भी करती रही हैं, और कोई एनजीओ भी चलाती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। जी। और हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर माहम जई हैं, थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत सारी औरतों को आज खूबसूरत भी बनाया होगा, उनकी सारी दर्दों को भी निकाला होगा, और फिर आपसे सुनेंगे कि किस तरह उन्होंने आपको, आपके ऊपर वो चढ़ गई होंगी कि भाई हमें आप एक दिन में जो है खूबसूरत तरीन बनाते हैं, ऐसा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इसी तरह होता है, खवातीन आती हैं और वो कहती हैं एक दिन में कुछ कर दें, मगर आपको पता है दिस इज़ नॉट वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, एक दिन में हम क्या कर सकते हैं, बट फिर भी वी ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर माहम। और हमारे साथ है सुरीली सी नाइटिंगेल है, सुमेरा अल्ताफ, थैंक यू सो मच सुमेरा अल्ताफ। आपसे हम बहुत प्यारे प्यारे नगमे तो सुनेंगे, आप बताइए कि आपकी सुरीली ईद कैसी गुजर रही है अब तक? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। चलें, वेरी नाइस। तो हम आगाज करते हैं बाकायदा, और हम जैसे कह रहे थे कि इस दफा जो है आपने वही घिसा पिटा जो हर कोई आपको फॉरवर्डेड मैसेज भेजता है ना, वो आगे नहीं भेजना। True. हमने इसको बहुत पर्सनलाइज बनाना है, तो अब हम कुछ ऐसी चीजें आपसे सुनेंगे कि भाई अगले जो है आज अपने SMS के अंदर वो लिख के भेजे अपने लव्ड वंस को और अपने प्यारों को। तो बताइए कुछ ऐसा मवाद दीजिए कि आज हमने फॉरवर्ड मैसेजेस कोई नहीं भेजना। अच्छा, पहले तो ये है कि ये महफिल बड़ी अच्छी आपने सजाई है। हम दो मर्द जो हैं वो अकलियत में हैं, 50% हैं, लेकिन ये शुक्र है कि डॉक्टरों के एतबार से हम बैलेंस्ड हैं। हाँ। तो तीन डॉक्टर हैं और तीन बड़ी अच्छी महफिल आपने से। दूसरा ये कि SMS मैसेज में मेरा, चूँकि आपने सवाल ये गलत आदमी से कर दिया है लव के हवाले से, तो मैं तो काम से ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ मोहब्बत के बगैर कैसे होगी? जी, वो मैं बता देता हूँ कि मोहब्बत जो है ना, असल में ही फेल इन लव। अच्छा, क्या हुआ? वो मोहब्बत में गिर गया। मोहब्बत में आदमी को गिरना पड़ता है, समझ रहे हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा कि ही रेज्ड इन लव। तो बस फिर मेरा मामला जो है ना, आई वांट टू रेज
इन अदर फील्ड्स, तो इसलिए मैं इस सिलसिले में कोई मैसेज आपको नहीं, मुझे लगता है कि मोहब्बत पे जब तक इंसान इश्क में डूबे ना उसे जिंदगी का मजा नहीं आ सकता, और इश्क में डूब कर ही मजा आता है। तो इश्क की बात करते हैं तो मुझे बताइए, जो पहला इश्क होता है उसका जो तोहफा होता है वो बहुत इंसान को याद रहता है, तो वो कौन सा इश्क का आपके पहले इश्क में जो भी था, या आपकी शादी हुई या जो भी, उसमें जो फर्स्ट ईद का आपको गिफ्ट मिला वो क्या था? कुछ बातें तो पर्सनल होती हैं, उन्हें पर्सनल ही रहने देना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, लेकिन फिर भी कोई चीज होती ना, जैसे मेरे घर भी जाना तो... है मेरा भाई है घर में क्या हो गया जैसे मुझे याद है कि हमारे जमाने में तो वो 3310 होता था, उसको जब ऑन करते थे ना तो वेलकम नोट आता था, उस पर लिखा हुआ आता था ईद मुबारक, तो वो एक अच्छा। वैसे आपने एक बात नोट की है ना, आपके सवाल का डॉक्टर साहब ने जवाब दिया ना मैं साजिद ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब ना ही कोई और जवाब देगा। एक जवाब देना चाहूंगी कि मोहब्बत तो आज तक मैंने की नहीं, कभी हुई नहीं है मोहब्बत मुझे, शायद कोई जिंदगी में इस काबिल इंसान ही नहीं मिला जिससे मोहब्बत। देखिए मोहब्बत तो हर किसी से करनी चाहिए, जो सामने आए उससे मोहब्बत करो। मोहब्बत यूं तो हर इंसान से मोहब्बत है मुझे, रब की बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत है मुझे, लेकिन वो मोहब्बत वो इश्क जो सवाल आप कर रही हैं वो अभी तक मुझे नहीं हुआ। मेरी शादी भी हुई, शादी टूट भी गई, शायद वो इसीलिए टूट गई कि मोहब्बत नहीं थी ना मेरी तरफ से ना ही मेरे शोहर की तरफ से। नहीं चले इंशाल्लाह आपको मोहब्बत जरूर नसीब होगी। अभी हम करते हैं जो प्रस्पेक्टिव दुल्हन है, 10 दिन बाद इनकी शादी भी है, तो आप बताइए भाई आपको क्या ईदी में मिला? ईदी में वैसे तो वी डील इन कैश, ये सबसे अच्छा गिफ्ट होता है जो हम ले सकते हैं, तो उसके बाद वी कैन डू एनीथिंग विद दैट कैश, तो कैश इज़ द बहुत अच्छी चीज़ है, आप कैश ही लें मेरे ख्याल से ईदी, तो मैं तो उसी में खुश होती हूँ हमेशा, मैं मिलती भी वही है। आप लिटरली ईदी में जा रही है, मतलब ईदी। अच्छा बताए, मैं जब वेस्ट में देखती हूँ कि वो लोग जब ईद जब कार्ड भेजते हैं अपना वेडिंग कार्ड, उसमें लिखते हैं नो बॉक्स्ड गिफ्ट्स, वो कहते हैं सिर्फ कैश देते हैं, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, मैं कहती थी मजा ही तब आता है कि एक प्यारा सा तोहफा लो, उसे रैप करो, उसको दो, है ना, गिफ्ट का प्यार एक्लूस गिफ्ट में दिया जाता है कि जी हाँ उसने सेलेक्ट किया, उसने इंतखाब किया, उसका एक अपना मजा होता है। बस अब आपके, हाँ बिल्कुल, अब आपके हस्बैंड को हम यही मैसेज देंगे कि आपके लिए एक खूबसूरत सी चीज सिलेक्ट करें अपनी पसंद की, जिसमें वो आपको देख लेना चाहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि मुझे क्या गिफ्ट मिला। नहीं लेकिन ये आपने उनके हस्बैंड के साथ फेवर किया, आपने इनको वो चांस नहीं दिया कि ये सिलेक्ट करें। हाँ ये भी है, आप क्या देना, आपने क्या दिया, आप ये कह दिए नहीं, अगर ये सिलेक्ट करें अपने लिए फिर क्या होगा? मैं अपने लिए तो बहुत अच्छा फ्यूचर सेलेक्ट करना चाहूंगी, oh my God, वो मैं अपने आप को बेस्ट गिफ्ट जो है दे सकती हूँ, और उसके लिए डेफिनेटली मुझे बहुत काम करना पड़ता है एंड करना पड़ेगा भी फ्यूचर को मजीद अपने आप के लिए गिफ्ट बनाने के लिए। हाँ लेकिन आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो कंग फू पैंडा, उसमें वो कहता है कि प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो आज होता है, वो सबसे खूबसूरत तोहफा होता है अल्लाह ताला का, तो फ्यूचर की दौड़ में अपने प्रेजेंट को बिल्कुल ना खराब कीजिए। अब सुमेरा आप बताइए ना, आप तो इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने गाती हैं, लोगों को आप वैसे ही खुश कर रही होती हैं, तो आपके लिए तो वो हर वो हंसता चेहरा देख कर ही ईद का चांद होता होगा। जी बस अब जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है तब से वीडियो बनाती हूँ ईद वाले दिन और अपलोड कर देती हूँ और फिर उस पर लोग बहुत सी मोहब्बतें और प्यार भेज रहे होते हैं और फिर मुझे भी अच्छा लग रहा होता है। अच्छा आपने नोट नहीं किया कि ये ट्रेंड कितना बदल गया है ना, अब हर चीज़ जो है वीडियोस, वीडियो अपलोडिंग और सोशल मीडिया से लिंक्ड है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? से सवाल कह रही है, नहीं जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने डॉक्टर साहब से भी एक सवाल किया था जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सो अब के ये जो जनरेशन है और जितनी इसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ये माजी में तो मेरे ख्याल में इसका तसव्वुर भी नहीं था, और जो जिस तरह इंफॉर्मेशन वायरल होती है, एक छोटी सी 5 सेकंड की वीडियो आपको सुपरस्टार बना देती है, और ये अब जो एवेन्यूज़ हैं, जैसे आपने कहा कि आप वीडियोस बना के आप डालती हैं, पहले कहाँ किसको ये मौके मिलते थे, टीवी पे कहाँ कैसे लोग आ सकते थे, बहुत मुश्किल था। सो आई थिंक ये, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने ये सिंगिंग शौकिया शुरू की, कहीं से सीखा आपने कोई? मुझे शौक था और वैसे गॉड गिफ्टेड आवाज़ है मेरी, और लेकिन ये अभी जो रिसेंटली मैं सीख रही हूँ क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ।
हम आपसे क्लासिकल गाना भी सुनेंगे और मेरा ख्याल है आज के इस ईद महफिल में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह सिर्फ शॉर्टकट या इजी वे नहीं होता या हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, बल्कि खुलूस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इस पूरे प्रोसेस में लर्निंग जो है उसको कुछ सीखना, कुछ ह्यूमन रिलेशंस को डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन रिलेशंस की हम बात करते हैं तो आपका तो काम भी ऐसा है, फिर आप शायर भी हैं, तो थोड़ा सा शेयर करें कि किस तरह से हमने अपने फैमिली को जो है वो टाइम देना है, क्योंकि हम पूरा दिन जो है होते हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ कैसा टाइम गुजारते हैं, फैमिली को टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके ऊपर ज़रूर बात करें और कोई खूबसूरत सी इसमें शायरी भी बताएं। वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये बात जो है ना, दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है, व्हेन यू आर बिज़ी, जैसे आप हैं, मैं हूँ खुद, तो ऑफिस में काम करना है, लिखना है, पोइट्री करनी है, इन्होंने गाना, तो फिर वक्त निकालना ही पड़ता है फैमिली के लिए, और उतना नहीं निकल सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा दिन हर रोज़ रोज़े ईद नेस्त के हलवा खुरद का से, तो कुछ कुर्बानियाँ उधर देनी पड़ती हैं, कुछ इधर देनी पड़ती है, और सारे लोग दे रहे हैं। अब तो यही जो आपने बहुत अच्छी बात की, मैं व्हाट्सएप बहुत कम देखता था, देखता ही नहीं था, फेसबुक की बजाय बुक से मेरा ताल्लुक रहा, आपको पता ही, नेशनल बुक फाउंडेशन में। फिर वक्त ऐसा आ गया कि आप उससे बगैर रह नहीं सकते, ऑफिस का सारा काम उसी पे हो रहा है, डॉक्टर साहबा का सारा काम हो रहा है, बिज़नेस का सारा काम उसी पे हो रहा है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि कम अज़ कम मुझ जैसे मैनुअल आदमी के, वो भी 5-4 घंटे कम अज़ कम ये ले जाता है। तो किसी ने सही कहा था ना कि इसने दूर वालों को करीब कर दिया और करीब वालों को दूर कर दिया, कि पास पास ही बैठे हैं लेकिन सारे। अब ये एक हकीकत है, इसको आप झुटला नहीं सकते। तो बहरहाल जो आपने बात की कि घर वालों को वक्त दें और सारा, वो देना चाहिए, लेकिन उतना ही दिया जा सकता है, पहले की तरह नहीं दिया जा सकता। जब हम छोटे थे, हमारे उस वक्त कोई चीज़ें गैजेट कोई चीज़ नहीं थी ना, थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर हमें रखना चाहिए। अब जैसे ईद भी है तो उसमें पर्सनलाइज्ड टच दें, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ कॉल्स ही करते रहें, जाइए एक दूसरे के घर, जाइए कुछ पका के लेकर जाइए, कुछ जाके खाइए। पकाने की बात आती है तो आप इतने सारे काम करती है, पकाती तो होंगी, तो मुझे बताइए आपने आज क्या क्या पकाया ईद के लिए, और सबसे कोई मज़े की डिश आपकी फेवरेट कौन सी है? बिरयानी बहुत पसंद है और बनाती भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, सब बना कोई बिरयानी की टिप्स दे दे जल्दी से हमारे ऑडियंस को, उनको पता हो कि उनकी बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी आज बन जाए, और उनको याद रहे कि भाई आपने बताया था कि ये करना है बिरयानी बनाने में, मुझे तो आती नहीं। इसलिए आप ही बताइए। अच्छा, उसमें ये करना है कि सबसे पहले आपने चिकन का मसाला बनाना है, उसमें चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छा, अब फ्राई करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो तो सब हमारे घर जो है खवातीन हैं उनको जानती हैं। जितना अच्छा चिकन फ्राई होता है उसमें से उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट भी होता है। राइस अलग से बॉईल करके जब उनको मिक्स करके तो बहुत बेस्ट हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसी रेसिपी इन्होंने बताई है ना, ये वैसी ही रेसिपी है कि हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि उनके घर हलीम की दावत होती थी। अच्छा। और बड़ा ही लजीज हलीम, 5-5, 7-7 लोग जाते थे, डॉक्टर आतिश दुरानी साहब आप भी जानती हैं। तो वो बाद में पता चला, कहने लगे मैं तो लाहौर में थे तो कहते जी मैं तो एक पतीला हलीम का ले आता हूँ और गोश्त वोश्त भून के उसमें डालते हैं अपने मसाले और वो सारा चल जाता है। तो ये कुछ रेसिपी ऐसी असल में हर रेसिपी के अंदर, देखिए मैं खुश खुराक आदमी हूँ और मैं सुनाऊँगा भी कुछ इस हवाले से, तो लाहौर कराची हर जगह के खाबे जो हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी अब शुरू हो गए, तो हर एक की रेसिपी में ना एक नुक्ता है। कोई कहे ना मेरी चीज़ मज़ेदार है, अल्लाह ताला की देन अपनी है। हाँ। तो उसका टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, बाकी ये बड़े होटलों के सारे टेस्ट ये होता है ना, उनके कुछ मसाला ज्यादा स्पेशल होते हैं, लेकिन वैसे जो कहते हैं ना कि कुछ लोग खाना बनाते हैं तो बड़ा टेस्ट होता है। उसमें मैंने एक चीज देखी है, उसमें तो ये होता है कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने बनाते हो, अच्छा, तो वो अल्लाह की तरफ से ना उस खाने में एक जायका आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है जो टेक होम पॉइंट है, वो ये है कि बिस्मिल्लाह करके खाना बनाएं, खाने में बरकत अपनी खुलूस और जायका, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ही खाएं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक संजीदा सा सवाल डॉक्टर साहब से मैं करना चाह रहा था कि उससे पहले वो अपनी शायरी भी सुनाएं और आप आगे हमने उनसे गाना भी सुनना है। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप एहतसाब करते हैं, दूसरी तरफ आपकी ये तंज व मजाक की और बड़ी जबरदस्त शायरी है, तो ये एक बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ये डॉक्टर साहब ऐसे है कि ये तो अब है ना, मैं सारी उम्र तो प्रोफेसर रहा, डीन रहा, वाइस चांसलर रहा, शायर अदीब तो था, ये तो एक वो है, लेकिन मेरी जितनी भी ज़िंदगी की जॉब्स हैं, आखिर में MD नेशनल बुक फाउंडेशन था, 19 में मैं रिटायर हुआ, तो ये जितनी जॉब्स हैं ये सारी किताब से, इल्म से, इससे रिलेटेड थी। ये अब जो है ये भी जॉब जो है बुनियादी तौर पर इसमें यानी पब्लिक रिलेशनिंग भी शामिल है
और फिर ये जो ओवरसीज़ हैं इनके मसाइल ज़ाहर है कि मेरा चूँकि एक्सपोजर बहुत है एज ए पोइट, पूरी दुनिया में जाते रहे तो वो तंजीमें या लोगों तक अवेयरनेस जो है वो चली जाती है। तो ये है, वरना अदरवाइज़ तो अब कम हो गया है लिखना पढ़ना। कुछ अरसा मैं वैसे अदबी एतकाफ़ में भी रहा, मुशायरे विशारे छोड़ दिए, जाना आना बाहर भी छोड़ दिया। 6-7 साल मैंने कुछ जब नेशनल बुक फाउंडेशन में था तो काम बहुत ज़्यादा था, फिर ये कोरोना आ गया तो अब कभी कभी नेट प्रैक्टिस के लिए निकल आता हूँ। तो आप कोई बात एहतसाब के हवाले से कर रही थी, वो मैं ये बताना चाहूँगी बल्कि इसके उससे कि हम लोग मैं जो हूँ एटलीस्ट हर ईद पे हम दारुल अमान की जो औरतें हैं उनके साथ जाके ईद मनाया करते हैं, और उधर आपको दिखता है इतनी सारी खवातीन होती हैं, उनके अपने अपने मसाइल होते हैं और उनके सारे केस जो है वो एक्चुअली बेचारे लटके हुए होते हैं सालों साल। तो ऐसी ही एक खातून थी बेचारी और उसने मुझे बहुत उससे कहा, तो मैंने उधर बैठे बैठे ऑनलाइन ये मोहतसिब का अकाउंट बनाया और मैं ये मोहतसिब पहुँच गई और मुझे लगा कि भाई यहाँ पर भी काम नहीं होगा, पर यकीन मानिए 1-2 विजिट के बाद जो है लिटरली वो काम हो गया। और इसलिए मैं बहुत मशहूर हूँ, मैं सिर्फ टीवी पे नहीं कह रही, ये वाकई उन सब खवातीन के लिए जो आज ईद देख रही है, और उनकी ईद असल में तभी होगी जब उनको पता होगा कि अगर कोई उनका ऐसा इशू है जो कि पेंडिंग है तो एक किसी भी बंदे को बताएं, अगर खुद कर सकती हैं तो आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन फिल करते हैं और मोहतसिब वाकई आपको बुलाता है और आपका काम हो भी जाता है। तो ये उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे मुल्क में और भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती रहे। सिर्फ इसमें आपने जो बात बताई ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग जिनको इल्म भी है इस इदारे का, ये कोई इदारा है, एग्जिस्ट करता है, काम कर सकता है, कंप्लेंट आपकी ले सकता है, वो लोग भी वहाँ जाने से अवॉइड करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कि जितना इस इदारे को इस्तेमाल होना चाहिए। थोड़ा सा चलें, ये बात होगी 1-2 फिक्रों में बात कर लूँ, जनरल अवेयरनेस से अच्छी बात है 2 फिक्रों में। कि पहली बात तो ये है कि यहाँ ना कोई फीस है ना वकील है, सिंपल कागज़ पर आपने लिख के ऐप पर भेज दिया, वेब पर भेज दिया या खुद आ गए या कर दिया, ये तो एक बात होगी। दूसरा जो आपने अभी बात कही ना उसमें ये है कि अवेयरनेस तो है लोगों को, लेकिन चूँकि पूरा माहौल हमारा इस तरह का है, अब थोड़ा लाइटन कर देती है मूड को। और आप हमें एक गेम सा खेलते हैं कि एक ना चीज़ सोचेंगे हम अपने जहन में, कसौटी टाइप होगा और आप लोगों ने उसके बारे में ना सवाल पूछने हैं, हर बंदा एक सवाल पूछेगा और फिर जो गेस कर लेगा उसको एंड में गिफ्ट हैम्पर भी मिल जाएगा, कोई भी एक अच्छी सी चीज़ रखी होगी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए। तो अब एक चीज़ है, एक चीज़ हमने सोच ली है, मैंने सोच ली अपने जहन में, अब आप लोग सब उसके बारे में, कसौटी का तो आपको पता है ना 5 सवाल होते हैं कि भाई इंसान है नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है, छूने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, आप कोई एक सवाल करिए और फिर आप में से जो सबसे पहले गेस करेगा। तो चलें, चीज हमने सोच ली है, अब आप सवाल कीजिए पहला उसके बारे में, कोई भी एक सवाल कर लीजिए। अच्छा, ये माइंड रीडिंग जो है बड़ा मुश्किल काम है। चलें कोई नहीं, कुछ आपने सवाल करना है ना, आप सवाल से फिगर आउट करेंगे, आप उधर से शुरू कर दें। आप बताएं, एक सवाल कीजिए, किसी एक आइटम है, मैं बता देती हूँ एक आइटम है उसके बारे में आप सवाल कीजिए, ईद से रिलेटेड है। खाने की? यस। चलो बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल कर दिया, अब आप बताएं कोई और सवाल कीजिए उसी के बारे में। ईद की तैयारियाँ? नहीं, ईद की तैयारी में ही बनता है वो, बिल्कुल ये बात सही है। अब आपने गेस करना है कि क्या है। हाँ, ये कोई मीठी चीज है जी। अब आप गेस ही करते, इन्होंने तो बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। क्या हो, गले में भी बांटते हैं? हाँ बांटते हैं, बिल्कुल बांटते हैं। चलो सारे सवाल हो गए, अब गेस शेर कर, बिल्कुल ठीक है। तो गिफ्ट हैम्पर इनका हुआ, अब इलेक्ट्रा तो है नहीं हमारे पास लेकिन इनका ज़रूर हुआ है। इस साल तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नामवर स्टार्स भी हमें छोड़ के गए हैं, तो और आपको पता है कितना फील होता है बाकायदा कि देखिए हमारे इतने उस जो लेगेसी थी पूरी, जो कितने सारे हमारे जैसे मोहम्मद रफी खान साहब है और हमारे ज़िया मोहीउद्दीन साहब है, कितने सारे हमारे बड़े सितारे थे जिनके साथ हम बड़े हुए थे और ईद की सारी रौनकें उनके पास होती थी, और जितने भी बड़े और बुजुर्ग होते हैं उनके साथ वो सारा पर्सनल टच भी तो खो गया है ना। तो अब मैंने आपसे पूछना है, आपने एक मज़ेदार किस्म का शेर बोलना है और हर किसी ने वो शेर बोलना है जो उन्होंने ट्रक के पीछे पढ़ा हो, और कोई नहीं, ट्रक के पीछे वाला। चले कोई एक ट्रक के पीछे वाला शेर सुनाए। मैंने तो रिक्शे के पीछे पढ़ा था कि मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा। नहीं नहीं, सब आपको कोई याद है, बताइए अभी मुझे तो कुछ। चलो आप गा के सुना देना कोई चीज जो ट्रक के पीछे पड़ी हो, आपको कोई ट्रक वाला शेर याद हो। एक याद है, कौन सा? जमाने में नहीं देखा, जमाने में नहीं देखा, हसीनों में वफा होगी, नमक ऐसा नहीं देखा जो जख्मों की दुआ होगी। वाह वाह वाह, ये तो सीरियस किस्म का शेर है, ट्रक के पीछे पड़ा था। लेकिन हर तरह के शेर लिखी होती है कभी कभी, इस पे तो PhD भी हो चुकी है, बहुत बाहर भी और यहाँ भी अंग्रेजी में। ट्रक आर्ट पे तो अलग है ना,
पोइट्री। अब आप ट्रक का शेर तो मैं आपको शेर पहले सुनाता हूँ असल, अच्छा फिर जो ट्रक पे मैंने पढ़ा वो सुनाऊंगा। असल शेर ये आवारा गर्द शेर है, मुझे कोई पता नहीं किसका है, कोशिश के बावजूद भी, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। आपने भी सुना होगा स्कूलों में। तो ट्रक के पीछे वो क्या लिखते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू नहीं आती है फूलों से। लेकिन वाकई जो है सच्चाई छुप नहीं सकती बात बिल्कुल सही है, और आप भी इसको देख लीजिए कि नोटों में भी जो है ना वो खुशबू नहीं आती। तो ऐसी चीज आती है जो फूलों में बात है ना वो किसी नोट में भी नहीं होगी। इसी पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन पहले आपसे सुनेंगे खूबसूरत सा गाना। बताइए आप क्या सुना रही है, आपका गाना सुनेंगे और फिर वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद। हमको लगा है मिलने ईद का दिन है, ईद का दिन सजा कर मिली है
ईद के इस मौके पर एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। एक हमारे साथ बड़े अच्छे मेहमान हैं और जो मेरी होस्ट हैं डॉक्टर ताहिरा, उन्होंने पहले आपसे तारुफ भी उनका करवाया, बड़ी बिजनेस की बातें भी हमने उनसे की। हमारे साथ जो पॉलिटिशियन हैं और साथ साथ शोबिस से भी ताल्लुक़ है, एक बड़ा एक डिफरेंट सा ये एक मिक्स है। नॉर्मली ये होता नहीं पाकिस्तान में, बहुत कम होता है, हमारे पड़ोसी मुल्क में शायद ज़्यादा है। तो ये मैनेज आप कैसे करती हैं, अगर मैं आपसे पूछ सकूं सारी चीज़ों को, कि आपने शोबिस को भी टाइम देना है, अपनी एनजीओ भी चलानी है, सियासत भी, इट्स अ फुल टाइम जॉब। असल बात होती है शौक़ की, इंसान जो भी काम शौक़ से करता है उसके लिए अपनी सारी मसरूफियत को जो है ना मैनेज भी कर लेता है, कि एक टाइम टेबल बना लेता है कि किस वक्त आपने क्या काम करना है, किस वक्त आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है, कब, वो सारे एक आप जो है ना बेसिकली बात है शौक़ की। तो शौक और अगर इन तीनों चीज़ों को वे करें तो किस चीज़ का शौक़ ज़्यादा होगा, सियासत, शोबिज़ या सामाजिक काम? एक बात बताऊँ, अगर हम तीनों फील्ड, नाम तो डिफरेंट है लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो तीनों फील्ड है ना इनका काम एक ही है, खिदमत। अच्छा, राइट। अगर आप शोबिज़ में हैं तो वो भी आपकी खिदमत है, आप बहुत बार ऐसा काम ड्रामों में कर रहे होते हैं, एक मजाया कर रहे, एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, की एक्टिंग ना उसमें सियासत में नहीं, लेकिन आजकल वैसे दुखी लोग जो होते हैं ना आजकल वो कहते हैं ना वही बहुत बड़ा सियासतदान है जो बड़ा अच्छा एक्टर है। नहीं फिर ये तो नहीं करना भाई, या तो ये चुन ले या वो चुन ले, खिदमत है तीनों फील्ड में, कि कोई अगर परेशान है तो देखे वो आपका ड्रामा देख के थोड़ा खुश हो जाता है, एंटरटेन हो जाता है, तो खुश होना भी तो बहुत बड़ी, किसी को आप खुश दे दो तो बेसिकली तो उससे बड़ी क्या और नहीं है। अच्छा, कुछ सियासतदान है ना जैसे बहुत ज़्यादा टीवी पे, तब भी आपने अपनी आवाम की खिदमत करनी है तो उसमें भी ये सामाजिक काम। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा इससे पहले आगे चलें, वो सवाल ये है कि कुछ सियासतदान है ना वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है टीवी पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए भी बड़ा मजा आता है, सुनते भी बहुत मजा आता है। सियासतदान अच्छा वो है जो अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपनी आवाम के बारे में सोचे, अच्छा तो वो है, लेकिन एक फनी में बात कर रही हूँ की कहते हैं जी जो अच्छा सियासतदान हो या जो अच्छा एक्टर है। अब हम आते हैं ये जो आप तो लोगों को एक्चुअली ठीक करती हैं, और जिस तरह ये बता रही थी कि लोगों के अंदर खुशियां फैलाना, उसमें जब किसी का दर्द खत्म होता है तो सबसे ज्यादा जो है वो उसको खुशी हो जाती है, तो थोड़ा सा बताए ना, जब भी किसी को दर्द होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है, तो आपके पास कोई आया जिसको दर्द हो और उसने किसी और को याद किया? बिल्कुल, एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई थी जिन्होंने अपने माँ बाप के याद, उनको याद नहीं किया, उन्होंने अपने शौहर को याद किया। कल पता नहीं उनके शौहर ऐसा क्या काम करते होंगे कि उन्होंने अपने शौहर की याद, मुझे नहीं पता ना, मैंने उनसे पूछा, लेकिन ये सच्ची बात है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ एक और चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा भूत सवार है, वाइटनिंग का, हर किसी को जी आर के कह रहे होते हैं कि ये इंजेक्शन लगा दो हम गोरे हो जाए, हम गोरे हो जाए, बस गोरे होने की क्रीमें भी और सारा कुछ वो हो जाता है, तो आप बताइए कि इस ट्रेंड को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा है और इसका ख़त्म होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करना, आप देखें आप वेस्ट में जाते हैं वहाँ पर लोगों को एशियन कलर कितना पसंद है, बिल्कुल ब्राउन स्किन कितना वो एडोर करते, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम गोरों जैसा गोरे हो जाएं। अच्छा, ये सेफ होती है ट्रीटमेंट? डिपेंड करता है, हेल्थ इश्यूज डिफरेंट देखने होते हैं। अच्छा, बात जो हो रही है वाइटनिंग की, तो मैं एक बात अपने, मेरी जो देखने वाली बहन है उनसे ये शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो गोरा होने के चक्कर में बड़ी क्रीमें मिक्स की फेस पे लगा दिया, खुदारा उसका इस्तेमाल मत कीजिए, स्किन बहुत खराब होती है। ये मैंने खुद तो इसका मतलब तजर्बा नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो लड़कियां भी ऐसी क्रीम यूज करती हैं जो आपके कलर को बहुत वाइट करती है, वो एक होता है ना कुछ डिफरेंट क्रीम को मिक्स करके, बिल्कुल जब तक करती रहती है उनकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है, बड़ा वाइट, और जब वो छोड़ती है तो उनकी शक्ल तो पहले से भी ज्यादा जो है ना वो खराब हुई होती है, उनकी तरफ कभी भी ना जाइए। और इस तरह के हमारे पास बहुत सारी खवातीन पेशेंट्स इस तरह की आती हैं जिनकी स्किन बहुत डैमेज है, लेकिन आपने स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं होने देना, और सबसे अच्छी चीज किसी भी क्रीम से ज्यादा अच्छी ये है कि आप अंदर से खुश रहे, और अंदर से खुश रखने के लिए आप सुनाएंगे खूबसूरत सा शेर, मोहब्बत तो आप करते नहीं, शेर ही सुना दें, चलिए शेर नहीं आप गजल सुने पूरी, आप उनको एक शेर पे शेर पे महदूद कर देती हैं, आप थोड़ा सा चांस दें, चलिए सुनाइए जी। मैं ना, नहीं आप, उन्होंने सही कहा है, मोहब्बत की बात तो वैसे वो जो इन्होंने कही वो ज़्यादा बेहतर है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, क्योंकि ये जो शायरी है ये डायरी नहीं होती। हाँ। मैं शेर सुना देता हूँ मोहब्बत के, लेकिन ये डायरी नहीं होती। तो आपने गजल कहा, गजल तो संजीदा होती है डॉक्टर साहब, नज़म सुनाए, नज़म, चलिए। गजल होती है संजीदा, क्योंकि गजल कह दिया आपने तो मैं संजीदा लिखता हूँ, मैं सुना देता हूँ कि हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरेआम पुकारा नहीं जाता,
हर नाम सरेआम पुकारा नहीं जाता, होती हैं मोहब्बत में कई राज की बातें, वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत जब तक कोई इस राह में मारा नहीं जाता। तो दूसरों के तजर्बात मुशाहदे से मोहब्बत नहीं होती, वो तो लेकिन असल में हम अब ना रहते ऐसे दौर में हैं कि मोहब्बत बाद में होती है, पहले हम फेसबुक पे इश्तेहार लगा देते हैं। मैं तो ये करती हूँ, हर चीज़ फेसबुक पे पहले डाल देती हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल देती हूँ, तो वो मोहब्बत बाद में होती है, पहले सारी नजरें वजरें लग के सब कुछ फारिग हो जाता है। मैं भी शायरी लिखने की कोशिश करती हूँ, तो मैं भी एक गज़ल लिखी थी। बेसिकली शायरी क्या होती है, आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी फीलिंग्स होती है जिनको आप एक अल्फाज दे के तो शेर का नाम दे देते। मैं तो ये समझती हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है मेरी, मैं जरा सादा तमीज़ हूँ। कसरी नफसी से काम ले रही है, सुनाइए आप जी। तो वो है कि या रब मिला दे उससे, या रब मिला दे उससे हूँ जिसके लिए बनी, इंतज़ार करते करते अब शाम हो रही है, बहुत बार बहुत ढूंढा तुझे, बहुत ढूंढा तुझे, बहुत बार नज़र आया तू बहुत से चेहरों में, करीब जाके देखा वो तू नहीं कोई और था, कहाँ है तू आके देख, बिखरी मेरी ज़ात आकर समेट, इससे पहले कि टूट जाऊँ मैं, तेरे पहुँचने से पहले ज़िंदगी से रूठ जाऊँ मैं, आ जा कि शाम हो रही। चले जी, आ जाए अब शाम होने से पहले, आ ही जाए, हम तो इफ्तारी का इंतजार करते हैं, यूं हम किसी को पुकार भी अच्छा है। चलिए इफ्तारी का हो गया खत्म, शुक्र है। महीना संजीदा शेर तो उन्होंने और गजल सुना दी, अब आप उनसे नज़्म भी सुन सकते हैं। नज़्म मज़ाहिया होना चाहिए भाई, देखिए हम बहुत सीरियस हो गए। आपने गजल कहा तो मैंने वो कर दिया, मज़ाह में उसको हज़ल कहते हैं, गजल नहीं कहते। क्या कहते? हज़ल। हज़ल, तो उस पर चले मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ छोटी सी। ये मैडम भी बैठी हैं, सियासत से भी ताल्लुक़ है, तो मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ। गालिब ने कहा था कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। गालिब ने 200-250 साल पहले कहा था, आज भी हमारा यही हाल है। तो उस पर मैंने एक अलामती मज़ाहिया नज़्म लिखी है, वो आपकी पेश करता हूँ। उनवान है इसका मरीज़ और मसीहा। आप समझ सकते हैं कि मरीज़ कौन लोग हैं और मसीहा कौन है। तो बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास, हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। वो खुद दवाई लेने गया है हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशाविरत ये हाज़े के ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के हाँ। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंद है, ये चार ही है ना हमारे, चार पांच ही रहबर हैं, तो मरीज़ ने तो ढूंढना ही है। तो आखिरी चारहकार के तौर पर हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, आखिरी बंद है, हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे ख़ास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़ कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी अभी। तो ये हाल है। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सच है, लेकिन इसमें ये बात बहुत होती है कि पीर से बड़ा ना आपका यकीन होता है। बेसिकली जो हमें चीज़ ठीक करती है वो हमारा यकीन होता है, वो हम किसी भी चीज़ पे ले आए तो ये जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ये वाकई काम करता है। और बेसिकली हर किसी को अब ये प्रूव भी हो रहा है कि हर किसी को मिल के काम करना है, ना हिकमत गलत है, ना होम्योपैथ गलत है, ना आपकी जैसे जितनी भी ये फैकल्टीज हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, आपकी डिफरेंट किस्म की और
टेक्निक्स हैं वो सब के सब मिलकर काम करें तभी अच्छा है। तो आपका मतलब बात चूंकि सियासत से चली थी कि सारे सियासतदानों को मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, कोई बात इसमें गलत नहीं क्योंकि सियासत कोई पेशा बात तो बहुत है। अच्छी है। आपने मुझे चूंकि बिठा दिया शायर साहब के पहलू में तो फिर अब मेरी शायरी तो मैं जैसी भी लिखती हूँ वो तो मुझे बड़ी वो ना उछल उछल के अंदर से बाहर आ रही है तो मैं जल्दी से सुना दूँ। जी पंजाबी में है शेर के तू रांझे वांगू मेरे नाल प्यार ता निभा तू रांझे वांगू मेरे नाल प्यार ता निभा मेरे हथ भी हीर वांगू चूरियां कुटन मौत भी सानू जेकर देवे जुदा मौत भी सानू जेकर देवे जुदा लोकी सानू इक्की कबरी सुटन तू हिक झलक दिखा महिवाल वांगू मेरिया सावां भी विच दरियावां दे टुटन वज सट जे मेरे हथा ते कोई मजनू वांग तेरे भी हथ दुखन होवे इश्क सच्चा जे फरहाद वांगो फेरी चटाना जो दूध दियां नहरां फुटन। अब मुझे समझ आ गया कि ये क्यों अभी तक इंतजार कर रही है जब आप इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे हैं तो यही कुछ होता है। असल में ना बचपन में बड़ी मैंने छोटे मूवीज देखी लैला मजनू हीर रांझा तो वो तब से ना ज़हन में वही है कि हीर रांझा का वेट नहीं करना। आपने बताना है भाई आप लोग नए जमाने के हैं प्रैक्टिकल हैं ईद का दिन भी है जल्दी जल्दी बताइए कि भाई आपको कोई चूड़ियां पहनाने आए तो आप उसमें क्या देखती हैं जल्दी से बता दें वन क्वालिटी जो देखती है शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स मतलब एक आइडियल में आपकी क्वालिटी क्या है क्योंकि देखिए ना आजकल तो हमारे ड्रामे भी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दिखा रहे हैं। मुझे लगता है पता नहीं आजकल भी लोग पहनाते हैं चूड़ियां ये नहीं क्यों नहीं पहनाते आप पहनने वाली बने तो पहनाएंगे। आपने पहनाई अपनी बीवी को लॉन्ग टाइम बैक अब तो पुराना अरसा हो गया है लेकिन इसको जिंदा रखना बड़ा जरूरी है। बहुत शौक से पहनाते हैं जो मर्द हजराते हैं चूड़ियां अपनी बेगमात को या अपनी गर्लफ्रेंड्स को और मेहंदी भी लगाते हैं। आपने मेहंदी लगवाई है कभी अपने फियांसे से? लग रहा है कि लगवानी पड़ेगी चलिए क्योंकि शौक है काफी शौक है ना और ये तो यही चीजें होती है यही छोटी मोटी चीजें ही जो है ना वो जौक होती है जिंदगी का। आप सबसे जो सवाल पूछ रही है आप ये बताइए चूड़ियां खुद पहनी है या मेरी मैंने ये खुद ही पहनी है खुद ही पहनी और आपको पता है जब हम कॉलेज के जमाने में होते थे तो ये बड़ा होता था कि हमारे जो हॉस्टल थे एक लड़कों का हॉस्टल था और लड़कियों का हॉस्टल तो जो लड़कों का हॉस्टल था ना वो चूड़ियों का स्टैंड जरूर लगाता होता था फिर वहाँ लड़की को चूड़ियाँ पहना पहना के जो है बहुत खुश होते थे तो बिल्कुल ये है। अब आप जल्दी से डॉक्टर साहब ने सही एंजॉय किया आपकी बात वैसे अच्छा लगा पता नहीं डॉक्टर साहब तो बहुत सीरियस हो गए हम कह रहे थे कि थोड़ा सा लाइट मोड में आप बातें करें चले लाइट से मैसेज दे दें ईद का उसके बाद फिर हम खूबसूरत सा गाना उनसे सुनेंगे। आप सब लाइट लाइट से प्यारे प्यारे से मैसेज दीजिए ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी वो शॉर्टकट्स ना ढूंढे वो जिंदगी में डिप्रेशन से दूर रहो और वो हर दिन को ईद का दिन मना के ईद का दिन समझ के जो है वो मनाएं। देखें जी सबसे बड़ी बात तो ऊपर भी कहते हैं लोग भी कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त कहते हैं कई लफ्ज़ ले लें सूफिया को हम ले आते हैं कि जी ये सारा कुछ है तो असल चीज़ जो ज़िंदगी में कामयाबी का राज है ना मैं समझता हूँ वो हौसला हिम्मत बर्दाश्त। एक आदमी कहता है कि जी मैं तो और हर आदमी कहता है देखिए जी मैं तो सच्ची बात मुंह पे करता हूँ फिर एक आदमी वही बात करता है देखें जी मैं तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता फौरन बता देता हूँ। अरे भाई गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है सही बात तो हर एक आदमी बर्दाश्त कर लेता है ठीक है ना। तो असल बात यह कि गलत बात आपने बर्दाश्त की और मुंह पर सच्चाई वो जो उनका है ना बानो आपा का बानो कुदसिया का कॉल बहुत उम्दा है कि वो जो है सच कड़वा नहीं होता बोलने वाले का लहजा कड़वा होता है वही सच आप और तरीके से करें तो चले मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि जितना हौसला जितना हिम्मत जितना ठंडा मिजाज होगा और उतना ही ठंडा मिजाज आज के उससे लेकर जाना है कि सिर्फ शीर खुरमा ठंडा नहीं खाना बल्कि अपने मिजाज को आइंदा ठंडा रखना है कोई भी डिफरेंस हो आपने उसको बर्दाश्त करना है। अब आपसे एक छोटा सा मैसेज बिल्कुल ब्रीफ क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है एक लाइन में अच्छा सा मैसेज दीजिए। खुशी का नाम है और ईद के दिन खुशियों का ख्याल रखिए स्पेशली उन लोगों का जिनकी खुशियाँ आपसे वाबस्ता हैं उनकी खुशियों का ख्याल रखिए। गरीब अपने बहन भाइयों की खुशियों का ख्याल रखें क्योंकि सही मानों में खुशी वही होती है जो दूसरों को खुशी देने के बाद हासिल होती है उस खुशी का कोई भी नेमो बदल। बहुत बहुत शुक्रिया अपने जितने भी अपने घरेलू मुलाजमीन हैं उनको भी खुश कीजिए उन्हें भी छुट्टी दीजिए और आज खुद भी काम कीजिए और खूब खुशियां बांटिए आप भी दीजिए छोटा सा मैसेज। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ईद के मौके पे आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार जो आपसे नाराज़ हैं उनको ज़रूर मनाएं और उनको गले लगा के ईद मुबारक ज़रूर बोलें
इससे आपको मजीद खुशी मिलेगी। गले लगाने के ऊपर तो हम गले लगाने का गाना सुनेंगे आपसे, तो सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना और आप भी ईद का मैसेज दे दीजिए इससे पहले कि हम सब लोगों को खुदाफिज कहें। ईद मुबारक। ईद मुबारक, शॉर्ट एंड स्वीट। वो कहते हैं ना ज़्यादा बात करूँ ना ज़्यादा लोग मेरे पीछे पड़े, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत अच्छी सी ईद मनाइए। थैंक यू सबका कि आप लोग सब आए ईद वाले दिन और बहुत खूबसूरत बातें आपने की और इतनी सारी खुशियाँ बांटी। अब सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा, आप सब लोगों को फिर से ईद मुबारक। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतनी, जे हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतनी, रेंदे गल लग लग के तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, कि वे बड़ा जानिया ओए सोने दी तवीतनी, जे मैं होली ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतनी। जी मैं होली।